देश में लोकसभा चुनाव के चलते राजनीतिक दलों ने एक दूसरे पर जुबानी जंग तेज कर दी है। बीते 8 मई को तेलंगाना के करीमनगर में पीएम मोदी ने दावा किया कि लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उद्योग घराने अडानी और अंबानी का जिक्र करना बंद कर दिया है। आइए पहले देखते हैं कि पीएम मोदी ने क्या कहा। 5 साल से एक ही माला जपते थे, 5 उद्योगपति 5 उद्योगपति 5 उद्योगपति, फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी। 5 साल से, लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा इस साझादे घोषित करें कि चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं। लेकिन पीएम मोदी का यह दावा कि चुनाव की घोषणा के बाद राहुल गांधी ने अडानी अंबानी का नाम लेना बंद कर दिया है, तथ्यों की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। सिर्फ मई के महीने में राहुल गांधी अब तक झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में 6 रैलियां कर चुके हैं, जिसमें वह लगभग हर रैली में अडानी अंबानी का नाम लेते नजर आए हैं। 7 मई को झारखंड में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने ये कहा। बीजेपी कहते हैं आप वनवासी हो, और फिर पूरा का पूरा जंगल वो अडानी को देते रहे। 24 घंटा अडानी के हवाले वो जंगल करते रहते, जंगल देते रहते। आप ही सोचिए इन्होंने आपको ये नाम क्यों दिया। एक तरफ आपको कहते हैं आप वनवासी हो, दूसरे तरफ वन को जंगल को खत्म कर रहे हैं। जब जंगल खत्म हो जाएगा आपसे कहेंगे देखिए आप तो वनवासी थे, अब तो वन है ही नहीं, तो आपकी कोई जगह ही नहीं है। अब आप जाके दूसरे प्रदेशों में मजदूरी करो, दूसरे लोगों के गुलाम बनो, आपको हम कोई अधिकार नहीं देना चाहते, ये है उनका लक्ष्य। 6 मई को मध्य प्रदेश के खरगोन में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि ये अडानी जैसे लोग हैं जिनकी आंख आपके जंगल पर, जमीन पर और आपके जल पर है। ये हिंदुस्तान के अरबपति हैं, अडानी जैसे लोग हैं जिनकी आंख आपकी जमीन पर, आपके जंगल पर और आपके जल पर है। ये चाहते हैं कि आपका जल, जमीन और जंगल आपसे छीन लिया जाए और इनके हवाले कर दिया जाए, और ये नरेंद्र मोदी जी के खास मित्र हैं। 6 मई को ही मध्य प्रदेश के रतलाम में उन्होंने फिर से एक बार अडानी अंबानी का जिक्र किया। आपने देखा होगा कि ये जो प्रेस वाले हैं ये आदिवासियों की बात कभी नहीं करते, सही बात है ना। ये अंबानी जी की शादी दिखा देंगे, बॉलीवुड दिखा देंगे, नाच गाना दिखा देंगे, मगर आदिवासियों पे अत्याचार होगा, आपकी बच्चियों पर बलात्कार होता है, आपकी जमीन छीनी जाती है, तो मीडिया में कभी आपके बारे में नहीं कहा जाता। राहुल गांधी ने ये बातें तेलंगाना और दिल्ली के रैलियों में भी दोहराई। 3 मई को महाराष्ट्र के पुणे में राहुल गांधी ये आरोप लगाते हैं कि मीडिया पर भी अडानी का नियंत्रण है। और ऐसा लगता है कि आजकल के पत्रकार जो एंकर्स हैं, सवाल पूछते हैं, लगता है कि ये बीजेपी के मतलब या तो कार्यकर्ता हैं या इनके पेरोल पे हैं। इसके अलावा 30 अप्रैल को राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो शेयर किया था, आइए वो भी देख लेते हैं। हमने मनरेगा किया, मजदूरी के लिए पैसा दे रहे हैं और कहते हैं गरीबों की आदत बिगाड़ रहे हैं। गरीबों को पैसा दो तो आदत बिगाड़ रहे हो, और अरबपतियों को पैसा दो तो देखो विकास हो रहा है। तो हमने मन बना लिया है,
10 रुपए उनको मिलेंगे तो 10 रुपए आपको मिलेंगे, 1,00,000 रुपए उनको मिलेंगे तो 1,00,000 रुपए आपको मिलेंगे, 1,00,000 रुपए मिलेंगे तो 1,00,000 रुपए मिलेंगे, 1,000 करोड़ मिलेंगे तो 1,000 करोड़ मिलेंगे। जितना उन्होंने 10 साल में उनको दिया ना, हम आपको देने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की अदानी और अंबानी के साथ फोटो तो देखी है ना, मगर नरेंद्र मोदी जी के मुंह से आपने अंबानी शब्द कभी सुना, अदानी शब्द कभी सुना? नहीं। मेरी फोटो देखी उनके साथ कभी? मगर मेरे मुंह से शब्द निकलता है अदानी अंबानी, है ना? फर्क समझो, मैं आपका हूं वो उनके हैं। ऐसा ही एक वीडियो कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से 6 मई को पोस्ट किया गया था। नरेंद्र मोदी जी की अदानी और अंबानी के साथ फोटो तो देखी है ना, whenever you touch the Adani matter, the Prime Minister gets very uncomfortable and very nervous. BJP की सरकार और BJP का जो financial system है वो directly linked है इनके साथ। मोदी की guarantee का मतलब Adani की guarantee। Everything is designed to help one businessman. The Prime Minister is employed by Mr. Adani. जितना उन्होंने 10 साल में उनको दिया ना, हम आपको देने जा रहे हैं। फर्क समझो, मैं आपका हूँ वो उनके हैं। कुल मिलाकर पीएम मोदी का दावा बिल्कुल गलत है। मार्च में लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद से अब तक राहुल गांधी लगातार अडानी अंबानी का जिक्र अपनी रैलियों में करते आ रहे हैं।